हेलो फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक विजन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ चॉकलेट गुलाब जामुन केक। और ये देखिए, मैंने घर पे ही बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया है, तो मैं सभी आपको बताऊंगी ये वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 बड़े चम्मच घी, ये होममेड बटर है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप दूध। अब इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से फेंट लेना है 1 मिनट तक। और यहाँ पे ये 1 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पाउडर शुगर। शुगर ऐड करने के बाद में हमें इसे फिर से 1 मिनट के लिए फेंटना है, ताकि ये तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये केक जो है फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ये 1 मिनट मैंने अच्छे से फेंट लिया इसे। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चन्नी, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। इसे हमें छान लेना है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1/3 कप कोको पाउडर। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और छान लेना है, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये देखिए, गुठलियाँ निकल गई है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फोल्ड करके हमें इसे इसका बैटर बनाना है। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तो इसे हल्के हाथ से फोल्ड करके इस तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हमारा यहाँ पे जो बैटर है केक का, ये बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस, 7 से 8 ड्रॉप्स। और ये हमारा केक का बैटर जो है बन के रेडी हो गया है, इसे मैं रख दूंगी साइड में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ केक पॉट, इसे हमें ग्रीस करना है। तो यहाँ पे मैं बटर लगा रही हूँ, इस तरह से चारों साइड से हमें अच्छे से बटर लगा देना है। और इस पे इस तरह से मैदा डाल देना है और चारों ओर से फैला देना है, स्प्रेड करना है, ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारा पॉट बन ग्रीस हो गया है, बैटर भी तैयार हो चुका है। अब मैं बैटर को ट्रांसफ़र कर दूंगी पॉट में और अब हम इसे बेक करेंगे 45 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाटी का ओवन लिया है फ्रेंड्स। बाटी को ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, तो इसे कवर करके 45 मिनट तक बेक होने देना है। यहाँ पे ये देखिए, 45 मिनट्स हो चुके हैं। केक को चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है, इसका मतलब है हमारा केक जो है वो परफेक्ट बन गया है। केक को अब हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग आइसिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये व्हिप क्रीम ली है, ये इंस्टेंट वाली है ब्लू बर्ड की, ये आपको आसानी से कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। इसे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगी, या फिर आपको इसके बैक साइड में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरह से इसे यूज करना है। तो यहाँ पे ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है, ये 50 ग्राम का पाउच है। इसमें एकदम ठंडा पानी डालना है 100 ml। और
इसे मिक्स करके हमें 15 मिनट तक फ्रिज में रख देना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं बीट कर लूंगी। ये आसानी से आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा और इजी भी है बनाने में फ्रेंड्स। अगर थोड़ी आइसिंग की क्वांटिटी आपको थोड़ी चाहिए तो ये बेस्ट वे है। यहाँ पे मैंने लिया ये बाउल, बाउल को मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था ताकि बाउल जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो हमारी क्रीम जो है बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सब होममेड बता रही हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से आसानी से हम घर पे आइसिंग कर सकते हैं। इसे अभी हमें फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे मैं ये कार्डबोर्ड ले रही हूँ और फॉइल पेपर। केक के लिए मैं यहाँ पे प्लेट बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ये चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून होममेड बटर और इसे 45 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करना है। और ये देखिए हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम लोग करेंगे केक को गार्निशिंग। तो यहाँ पे केक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और ये देखिए बहुत अच्छा बना है, स्पॉन्जी बना है। ये जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है हमें केक के ऊपर इवनली स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। तो ये अच्छे से मैंने इसे चॉकलेट को डाल दिया है केक के ऊपर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फॉइल पेपर। फॉइल पेपर मैंने एक कोन बनाया है, कोन में मैंने मेल्टेड चॉकलेट डाला है। यहाँ पे हम लोग गार्निशिंग के लिए इस तरह से चॉकलेट की जाली बनाएंगे। तो इसे इस तरह से फॉइल पेपर पे कोन के कोन से इसे इस तरह से डाल देना है और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ऐसी जाली बनी है, आप घर पे आसानी से केक को डेकोरेट कर सकते हो। मैं बिल्कुल इजी मेथड बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह से हार्ट शेप के चॉकलेट्स बनाए हैं छोटे छोटे। ये सिलिकॉन का मोल्ड है, आप चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हो कोई भी शेप का। ये देखिए बहुत ही सुंदर ऐसी छोटी छोटी चॉकलेट्स रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट बॉल्स भी बनाए हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन ले लिए और ये क्रीम को मैंने कोन में डाल के ये भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग करेंगे गार्निशिंग। इस तरह से मैंने कोन से इसे डेकोरेट किया है। आप डेकोरेशन आपके हिसाब से कर सकते हो फ्रेंड्स। केक को डेकोरेशन होने के बाद में इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जो भी हमारा डेकोरेशन है, आइसिंग है, वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद में ही आपको इसे सर्व करना है, केक को कट करना है, जो भी आपको करना है, खाना है, जो भी करना है वो 15 से 20 मिनट के बाद में ही करना है। फ्रेंड्स आप ये केक को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है।
देखिए हमारा केक जो है बन के रेडी हो गया है। इसे इस साइड से मैं बिल्कुल आसान तरीके से कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसे डेकोरेट। फ्रेंड्स हमारा ये जो चॉकलेट गुलाब जामुन केक है ये बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है आर्ट एंड क्राफ्ट के, वो भी वॉच करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।